हेलो फ्रेंड मैं मुनिका और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी जिसमें मैंने आज बनाई है मीनी कचौरी ये मिनी कचौरी आप छोले की सब्ज़ी आलू की झोल दाल सब्ज़ी या जो भी सब्जी आपको पसंद है उसके साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी और इन मिनी कचौरी को आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चे भी इन्हें बहुत पसंद करेंगे और बच्चे तो इन्हें सॉस के साथ भी खा लेंगे इतनी ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी और अच्छी लगेगी तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मीनी कचौरी मिनी कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल गेहूं का आटा इसे हम बड़े बर्तन में डाल देंगे एक बाउल मैंने यहाँ पे ली है मैदा आटा और मैदा हमने बराबर लिया है और हमने यहाँ पे चार बड़े चम्मच ली है सूजी एक चम्मच मैं इसमें डालूंगी अजवाइन अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसमें हम डालेंगे अब एक चम्मच नमक अब इसमें मैं डालूंगी दो चम्मच के करीब रिफाइंड तेल रिफ़ाइंड तेल मोयन डालने से जो मिनी कचौरियाँ हम बनाएंगे वो बहुत अच्छी लगेगी बच्चों को तो आप ऐसे भी टिफ़िन में इसे सॉस के साथ दे सकती है बच्चे इसे बहुत पसंद से खाएंगे या इस बरसात के सीजन में अगर आप इसे छोले की सब्ज़ी आलू की सब्ज़ी चने की सब्ज़ी जो भी सब्जी आपकी फेवरेट हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकती है आज मैं तो इसे छोले की सब्जी के साथ सर्व करूँगी और हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका आटा गूँथ के तैयार करना है देखिए फ्रेंड जिस तरह से हम पूड़ियों के लिए आटा गूंथते हैं वैसा ही आटा मैंने यहाँ पे गूंथा है अब इस आटे को हमें रेस्ट के लिए छोड़ना होगा दस से पंद्रह मिनट तो थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड तेल लगा देते हैं और इसे हम रेस्ट के लिए रख देते दस से पंद्रह मिनट के लिए एक अलग बर्तन में ढक के मैं इसे एक बाउल में रख दूँगी और इसके ऊपर एक ढक्कन थोड़ा तो सा रिफाइंड तेल लगा के हम इसमें ढक्कन कवर कर देंगे और इसे हम दस से पंद्रह मिनट के लिए रख देंगे दस से पंद्रह मिनट हो गए हैं आटा हमारा सेट हो गया है और अब हम इसकी मिनी कचौरी बना के तैयार करेंगे आटे को हम थोड़ा सा रिफाइन तेल चकले पे लगा लेंगे और आटे को हम एक बार थोड़ा सा फिर से मसल लेंगे हम इसे दो टुकड़ों में थोड़ा सा लोइों को तोड़ लेंगे तो इस तरह से हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मैश कर लेंगे आटे को और इसकी लोहिया हम तोड़ के तैयार करेंगे मैं यहाँ पे छोटी मिनी कचौरी बना रही हूँ इसीलिए इसमें हम एकदम छोटे छोटी छोटे रसगुल्ले के आकार की हमें लोहिया बनानी है इस तरीके से हम लोहिया बना के इसकी तैयार करेंगे इसी तरह से मैं आठ से दस लोहिया बना के तैयार कर लेती हूँ एक बार मैंने यहाँ पर आठ से दस मिनी कचौरी के लिए लोहिया बना है अब हम कचौरी बना के तैयार करेंगे चकले पे थोड़ा सा रिफाइन तेल लगा लेंगे हमें इसमें सूखे आटे या मैदे का यूज़ नहीं करना है इसी तरह से हमें ये पूड़ियों को बेलना है बस हमें इसमें दो से तीन बार ही बेलन चलाना है और हमारी मिनी कचौरी बनके तैयार है मैं इसे इस साइज़ की कचौरियाँ बना के यहाँ पर तैयार करूँगी मैंने आठ से दस मिनी कचौरी एक बार एक प्लेट में बना के रख ली है फ्रेंड इसे गर्मा गर्म ही खाएंगे तो टेस्ट आएगा और देखिए गैस में हमने गरम होने के लिए तेल रख दिया था तेल हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है अब इसमें हम मिनी कचौरियाँ तल के तैयार करेंगे एक साथ में आप तीन से चार कचौरी डाल के इसमें तैयार कर सकते हैं और मैं यहाँ पे एक बार में चार कचौरिया डाली हूँ हल्का हल्का हम इसे एक चम्मच या पलटे से हम इस तरह से पुश करते हुए कचौरियों को सेक लेंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे ताकि कचौरियाँ एकदम से जलने ना पाए देखिए कचौरिया कितनी अच्छी फूली है और इन कचौरियों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे देखिए फ्रेंड कचौरिया हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है इसी तरह से हमें कचौरियों को तलना है और इससे हम एक्स्ट्रा तेल झड़का के बाहर निकाल देंगे और अगर आपको कचौरी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी या कुरकुरी चाहिए तो आप कचौरी को और भी सेक सकते हैं जब इन कचौरी को आप खाएँगे तो इनका जो टेस्ट है वो आपको बहुत पसंद आएगा मैंने इसी तरह से सभी गोल्डन कचौरी को तल के तैयार कर लिया है अब इसमें हम साइड से इन्हें निकाल लेंगे एक्स्ट्रा तेल झड़काते हुए देखिए फ्रेंड मिनी कचौरी गर्मा गर्म बन के तैयार है इसी तरह से हम सभी कचौरी को तल के तैयार करेंगे मैंने एक बार में इतनी ही कचौरी तल के तैयार की जब आप खाएं तभी इन्हें बनाएं गर्मा गर्म और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी बच्चे तो इसे ऐसे ही खा लेंगे लेकिन आज मैं इसे सर्व करूँगी छोले की सब्जी के साथ मैंने यहाँ पर छोले की सब्ज़ी बना रखी थी उसमें हमने रख दी है ये छोले की सब्जी एक प्लेट में मिनी कचौरी आप को मैं छोले की सब्जी की रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी साथ में मैं यहाँ पे रख रही हूँ ऑनियन और भी कोई सैलड आपको पसंद है तो आप इसे सर्व कर सकते हैं और मेरी ये मिनी कचौरी की रेसिपी फ्रेंड आपको कैसे लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि वो मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना करें थैंक यू